नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। पंचांग के अनुसार आज मंगलवार को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी की तिथि है। पंचांग के अनुसार चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेगा। आज स्वाति नक्षत्र है। आज का दिन शिक्षा, जॉब, करियर, सेहत और आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आप सभी का आज का राशिफल। मेष राशि, आज के दिन आपको आलस्य से बचना चाहिए, वहीं दूसरी ओर व्यवहार में चिड़चिड़ाहट से भी बचना होगा। ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है, इसलिए तैयारी को मजबूत करें। व्यापारी वर्ग उधार लेने देने से बचे तो वहीं दिन के अंत तक बड़े सौदे हाथ लगेंगे। स्वास्थ्य में अकारण ही गिरावट की आशंका बनी हुई है, ऐसे में महामारी को देखते हुए अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा रोगों की चपेट में आ सकते हैं। मकान बनाने हेतु लोन के लिए अप्लाई करने वालों को आज इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, तो वहीं किसी वरिष्ठ से विषय में सुझाव भी ले सकते हैं। वृष राशि, आज के दिन ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको भरपूर मेहनत करनी चाहिए। ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्य करते समय उसकी जांच करते चलें। वर्तमान में गलती नौकरी के लिए ठीक नहीं होगी। व्यापारी वर्ग मुनाफे को लेकर आज परेशान हो सकते हैं, लेकिन मजबूत हतोत्साहित ना हो, बस अपनी प्लानिंग मजबूत बनाए रखें। बाद में स्थितियाँ संतोषजनक रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग परीक्षा की तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें। सेहत को लेकर जो लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें अपना काज का ध्यान रखना होगा। मित्र किसी बात पर नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको उनसे विनम्रतापूर्वक बात करनी होगी और नाराज़गी को उनकी को दूर करना होगा। मिथुन राशि, आज के दिन भाग्य आपके साथ है, वहीं किसी वरिष्ठ की सलाह भी आपके बहुत काम आने वाली है। कार्यस्थल पर मीटिंग का नेतृत्व करना पड़ सकता है। मैनेजमेंट वालों को बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने की संभावना है। थोक व्यापार करने वालों को कारोबारियों को आर्थिक मामले में सजग रहना होगा। नुकसान की आशंका है। हेल्थ में दिनचर्या बिगड़ने से थकावट महसूस हो सकती है। मध्य के बाद मानसिक तनाव भी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आराम करना लाभदायक होगा। परिवार या रिश्तेदार के अहम के टकराव के चलते दूरियां आ सकती हैं। ध्यान रखें, यदि आप बड़े हों तो आगे बढ़कर समाधान निकालना होगा। कर्क राशि, आज के दिन पुरानी खोई हुई वस्तु वापस मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी गरीब महिला को एक पैकेट दूध अवश्य दान करें। कार्य को लेकर आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन गलतियां कम से कम हो, इस बात पर भी पैनी निकाह रखें। वहीं दूसरी ओर कार्यस्थल पर षड्यंत्र से बचकर रहना चाहिए। सोने चांदी के कारोबारियों को मुनाफा कमाने के लिए ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। हेल्थ में पेट से संबंधी रोगों को प्रति सजग रहना होगा। हो सकता है ऑयली फूड या जंक फूड का कम से कम प्रयोग करें। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि, आज के दिन दूसरों का सहयोग काम आने वाला है। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों को प्रमोशन मिलने की उम्मीद है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि जो भी जिम्मेदारियां आपको दी जाएं उसे पूरी दक्षता के साथ पूर्ण करें। व्यापारियों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज मौसम में बदलाव के चलते स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में छोटी छोटी लापरवाही भी आपके लिए महंगी पड़ सकती है। घर में छोटे लोगों को मार्गदर्शन करना पड़ सकता है। उनकी जरूरत के लिए खुद को हर समय उपलब्ध रखना लाभकारी वर्तमान के लिए ठीक नहीं है। कन्या राशि, आज के दिन समस्याओं का समाधान ढूंढने में आप कामयाब रहेंगे। सामाजिक विषयों को लेकर थोड़ा विचारवान रहना होगा। करियर से जुड़े लोगों को कार्य में फोकस बनाए रखना होगा। कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन प्रमोशन की ओर ले जा सकता है, इसलिए कार्यों को लेकर सजग रहें। व्यापारियों को वर्तमान समय में संपर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं की अच्छी संख्या जोड़ने में मदद मिलेगी। आर्थिक आयामों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हेल्थ में बीपी के मरीज को उससे बचकर रहें। वर्तमान में अधिक क्रोध आपके स्वास्थ्य में गिरावट कर सकता है। आस पड़ोस के आए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए परिवार सहित अवश्य जाएं। तुला राशि, आज के दिन काम न बनने पर मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। ग्रहों की स्थितियों को समझते हुए समय को अनुकूल खुद को ढालना चाहिए। ऑफिशियल कार्यों को प्लानिंग के अनुसार करना चाहिए, जिससे कार्यों में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि इस दौरान बॉस का मूड कुछ ऑफ रहे। व्यापारी छोटे मुनाफे के लिए भविष्य की कल्पना और निवेश करने से बचें। हेल्थ में आज चिंताजनक स्थितियां रहेंगी, ऐसे में तनाव को दिमाग में स्थान नहीं दें तो बेहतर होगा। परिवार में लंबे समय से आ रहे मनमुटाव को भुलाकर रिश्तों को दोबारा मजबूत करना चाहिए। वृश्चिक राशि, आज के दिन रिलैक्स होते हुए अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करना चाहिए। यदि कार्य ना पूरे हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्म क्षेत्र में कार्य अधिक रहने वाला है। जो लोग व्यापार में बदलाव करने की सोच रहे हैं वे योजनाएँ बना सकते हैं, लेकिन क्रियान्वित आज के बाद करना होगा।
पुराना धन मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्किन एलर्जी परेशान कर सकती है। खान पान और दिनचर्या को भी संतुलित बनाना जरूरी है। जमीन या मकान को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि इस दौरान केवल प्लानिंग करना ही सही नहीं है और रहेगा। धनुराशि, आज के दिन निराशा के फवारों से उठना होगा। जो लोग कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, उनको गलत साबित करना आपके लिए अत्यंत जरूरी हो गया है। नौकरी से संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होगी। कार्य में अच्छे प्रदर्शन के चलते मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बार रुक जाए, क्योंकि आर्थिक लॉस का समय चल रहा है आपका। हेल्थ की बात करें तो पुराने रोग पुनः उभर सकते हैं। ध्यान रहे डॉक्टर को बताए एहतियात का पालन सख्ती से के साथ करें। बड़ों के सलाह के बगैर कोई निर्णय ना लें, अन्यथा उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। मकर राशि, आज के दिन दूसरों के प्रति कोई भी शंका का बीज नहीं बोना है। कर्म क्षेत्र में वरिष्ठ व उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा, इससे आप कठिन से कठिन काम भी बेहतर ढंग से पूरा कर पाने में सफल होंगे। फुटकर कारोबारी प्रतिष्ठान की साख खराब ना होने दें। सरकारी दस्तावेजों को पूरा रखना चाहिए। युवा वर्ग करियर को लेकर एक्टिव नजर आएंगे। स्वास्थ्य के लिए परिस्थिति अनुकूल है, लेकिन दुर्घटना की आशंका है। सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते समय सतर्क रहें, गिरकर घायल होने की आशंका है। घर में सजावट या जरूरत के सामान की खरीदारी करना लाभप्रद रहेगा, लेकिन अपने बजट का भी पूरा ध्यान रखें। कुंभ राशि, आज के दिन दूसरों के प्रति आपका विनम्र स्वभाव रिश्तों को मजबूत करने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। ऑफिस में महिला सहकर्मी के द्वारा कार्य पूर्ण हो सकते हैं, इसलिए उसे तालमेल बनाकर चलना चाहिए। व्यापार संबंधी यात्रा बहुत ही सजगता के साथ करने की सलाह है। जहां एक ओर आर्थिक नुकसान की आशंका है, तो वहीं दूसरी ओर महामारी संबंधी सावधानियां भी रखनी होगी। हेल्थ में माइग्रेन व सर्वाइकल के रोगी भी सचेत रहें। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रसन्नता के साथ इनका निर्वहन करें। घर में मेहमान के आने के संकेत हैं। मीन राशि, आज के दिन जीवन से कुछ बड़े आर्थिक निर्णय लेने में आप सफल रहेंगे, जिससे आपके आर्थिक ग्राफ में भी सुधार आएगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों पर सामान्यतः कार्यों का दबाव कुछ कम रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए दिमाग में नए आइडिया भी आएंगे, जिसको आने वाले दिनों में भुनाना अवश्य है। सेहत में जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उनको खान पान के साथ साथ दिनचर्या में योग व व्यायाम भी शामिल करना चाहिए। परिवार में सामंजस्य बनाए रहे, इस बात पर भी ध्यान दें। यदि आप अकेला महसूस करते हैं, तो अपनों के साथ बातचीत कर मन को हल्का कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें।